सरकार का खजाना खाली है और सरकारी योजनाओं में पैसे भी नहीं आ रहे हैं। बीते साल में 1000 से ज्यादा युगल परिणय सूत्र में तो बंधे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शादी भी की, लेकिन सरकार की ओर से पैसे का इंतजार अब तक बना हुआ है। बारिश शुरू होने के साथ ही 4 महीने चतुर्मास में विवाह आदि कार्यक्रम तो नहीं होते, लेकिन गत वर्ष में करीब 1000 से ज्यादा नवयुगलों ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शादी की थी। इनमें से कुछ एक को ही सरकारी योजना का पैसा मिला है। इसके साथ में जो आयोजक थे उन्हें भी भोजन का पैसा अभी तक नहीं मिला। सामाजिक न्याय विभाग की माने तो जल्द ही इस और भोपाल से नया आदेश व मंजूरी मिलने के बाद राशि का आवंटन कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर इसमें नियमों का पेच भी आड़े आ रहा है। देखिए, अपने पास में ही 17 में 1083 लोगों की शादी हुई थी, उनमें से हम लोग ने 400 लोगों की भुगतान कर दिए और महू का जो आयोजक थे उनको भी कर दिए हैं। अपने यहाँ 700 कुछ बचे हैं, तो उनमें से हमें 3 करोड़ का बजट मिल चुका है, लेकिन वित्त विभाग का जो नियम, उन्होंने 20% पूरे बजट में से भुगतान करना है, वो उसके वजह से हम लोग भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि महीने के 1 तारीख को उसकी लिमिट है कि 20% से ज़्यादा पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होना है, इसलिए हम लोग कभी 10 लाख रुपये कभी 11 लाख रुपये के भुगतान कर पाते हैं, तो उसमें मुश्किल से 20, 21, 22, 25 लड़कियों को ले कर पाते हैं हम लोग। हमारी जो आयुक्त मैडम है, रेणुका तिवारी मैडम है, वो वित्त विभाग को ऐसा सुनने में आया, वो कल भी जो बीसी में बता रही थी कि हमने वहाँ से परमिशन के लिए हमने पत्र भेजा हुआ है, जैसे ही हमको वित्त विभाग से परमिशन मिलेगा तो हम लोग एक इकट्ठे सभी का भुगतान कर लेंगे।